हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कुकिंग विद मनी में। आज की वीडियो में हम बनाएंगे एगलेस चॉकलेट केक। ये बहुत ही टेस्टी होता है और ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है, एकदम मॉइस्ट केक। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, हम इसको बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे। चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम केक टिन रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने 7 इंच का केक टिन लिया है। इसको ऑयल से अच्छे से ग्रीस करके बटर पेपर प्लेस कर दिया है। केक टिन हमारा रेडी है। अब हम लेंगे एक बाउल। बाउल में हम डालेंगे 3/4 कप पाउडर शुगर और उसमें डालेंगे हम 1/2 कप कर्ड। कर्ड हमारा रूम टेम्परेचर का ही होना चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप ऑयल। आप ऑयल की जगह पर बटर भी ले सकते हैं। इन सब को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 कप कोको पाउडर। कोको पाउडर भी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको एकदम स्मूथ सा बैटर बना लेना है। अब ये हमारा रेडी है। हम इसमें डालेंगे 1 1/4 कप मैदा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। इन सब को डालकर इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसका हमें लम्स फ्री बैटर बनाना है। इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए। सॉफ्ट हैंड से इसको हम मिक्स करेंगे। अभी हमारा ये बैटर थिक है तो हम इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे। आप वाटर की जगह पर मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें 1/4 कप वाटर ऐड किया है और इसको डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा स्पैचुला से भी इसको मिक्स करेंगे साइड से हटा के। और ये हमारा बैटर बहुत ही अच्छा रेडी हुआ है, एकदम स्मूथ और शाइनी। अब हम इसमें डालेंगे टूटी फ्रूटी। आप टूटी फ्रूटी की जगह पर ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। बैटर हमारा रेडी है। हम इसको केक टिन में ट्रांसफ़र करेंगे। केक टिन में ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसको 2 से 3 बार टैप करेंगे। टैप करने से इसके अंदर के एयर बबल्स निकल जाते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा हम टूटी फ्रूटी डालेंगे और इसको हम 180 डिग्री प्रीहीटेड ओवन पर 150 डिग्री टेम्परेचर पर 35 मिनट्स के लिए हम इसको बेक करेंगे। बहुत ही अच्छे से बेक हो रहा है केक मेरा। 35 मिनट्स में बेक हो चुका था। टूथपिक डालकर हम इसको चेक करेंगे। अगर क्लीन निकलती है तो केक अच्छे से बेक हो चुका है। अगर टूथपिक क्लीन नहीं निकलती है तो हम इसको 5 मिनट्स के लिए और बेक कर लेंगे। और हम इसको ही ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर 1 आवर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। केक बहुत ही अच्छे से ठंडा हो चुका है। नाइफ की हेल्प से इसको साइड से अलग करेंगे। अब हम इस केक को डीमोल्ड कर लेते हैं। ये बहुत ही इजीली डीमोल्ड हो जाता है। हमने इसमें नीचे बटर पेपर लगाया था। बटर पेपर रिमूव करेंगे। बहुत ही अच्छा केक बेक हुआ है, एकदम सॉफ्ट मॉइस्ट एंड स्पॉन्जी। बहुत ही स्पॉन्जी केक बना है। ये देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये बहुत ही इजी रेसिपी है। अब इसको हम काट कर देखते हैं। ये बहुत ही आराम से कट जाता है। मैंने इसमें टूटी फ्रूटी डाले थे। आप टूटी फ्रूटी की जगह पर ड्राई फ्रूट्स या फिर आप इसमें वॉलनट भी डाल सकते हैं। वॉलनट डालने से थोड़ा ब्राउनी वाला टेस्ट इसका आता है। बहुत ही अच्छे से बना है। ये अभी थोड़ा गर्म है, हल्का गर्म। बहुत ही सॉफ्ट मॉइस्ट एंड स्पॉन्जी। फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।